हरियाणा के विधानसभा चुनावों का आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बिगुल बजाकर पहला चुनावी रण तो जीत लिया है। गारंटी देकर निभाने के लिए मशहूर आम आदमी पार्टी ने पंचकुला में पिछले कल हरियाणा के लिए अपनी 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली और पंजाब के सफल प्रयोग के बाद पार्टी ने हरियाणा में भी फ्री बिजली और फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, रोजगार और महिलाओं को मासिक भत्ता देने की गारंटियां दे दी है। बीते कल पंचकुला में पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान, पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग धांडा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में 5 गारंटियों का ऐलान किया। पहली गारंटी, मुफ्त और 24 घंटे बिजली। दूसरी गारंटी, सबको अच्छा और फ्री इलाज। तीसरी गारंटी, अच्छी, बेहतरीन और फ्री शिक्षा। चौथी गारंटी, सभी माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए। पांचवी गारंटी, हर युवा को रोजगार। सुनीता केजरीवाल ने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल को नहीं, हरियाणा के लाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया है। पूरी दुनिया में लोग केजरीवाल को उनके कामों से जानते हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में सरकारी स्कूल बेहतर कर दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल बनाए और अब लोगों को 24 घंटे और मुफ्त में बिजली मिलती है। क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने ऐसे काम किए हो? ऐसे काम केवल एक ही शख्स कर सकता है, आपका लाल केजरीवाल, हरियाणा का लाल केजरीवाल। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी है आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1,000-1,000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और पांचवी गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। हरियाणा आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सुनीता केजरीवाल का आभार जताते हुए कहा कि हरियाणा को दी गई फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, रोजगार, मुफ्त बिजली और साफ पानी की गारंटी से हरियाणा की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा, भाजपा ने अपने शासन में हरियाणा के बच्चों का भविष्य, बिजली, पानी, रोजगार और शिक्षा, हर क्षेत्र में हालत खराब कर दी। हरियाणा की जनता को इंतजार है, उन्हें भी हरियाणा के बेटे केजरीवाल का नेतृत्व मिले ताकि हरियाणा भी दिल्ली की तरह शिक्षित और विकसित हो सके। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन मांगते हुए कहा, हरियाणा की जनता ने कई पार्टियों को मौका दिया पर सबने आपका विश्वास तोड़ा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस बार हरियाणा के बेटे केजरीवाल को मौका दें। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली और पंजाब के अंदर बेहतरीन शिक्षा क्रांति भगवंत मान जी की अगुवाई के अंदर और मनीष सिसोदिया जी की अगुवाई के अंदर लेकर आए हैं, सारी दुनिया को बता दिया कैसे स्कूल और एमिनेंस स्कूल बनते हैं, कैसे मेगा पीटीएम होती है, कैसे स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे अगर हिंदुस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली अगर शिक्षित होंगी तो विकसित होंगी। 75 साल के बाद भी आज हम विकासशील देशों की श्रेणी के अंदर खड़े हैं। अगर हरियाणा विकसित नहीं होगा तो देश विकसित कैसे होगा? आज मैं आभार व्यक्त करता हूं सुनीता केजरीवाल जी का कि आपने यहां पे गारंटी दी फ्री इलाज की, बेरोजगारी खत्म करके हर युवक को बेरोजगार देने की। आपने गारंटी दी सबको बेहतरीन और वर्स्ट क्लास एजुकेशन देने की। आपने गारंटी दी महिलाओं के विकास के लिए हर महिला को 1,000 रुपये महीना देने की। आपने गारंटी दी हर युवक को रोजगार देने की। बहुत प्रतीक्षा है हरियाणा के लोगों को।
कि केजरीवाल का नेतृत्व हरियाणा के लाल का नेतृत्व हरियाणा के लोगों को मिले और हरियाणा भी विकसित करे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने हर पार्टी को हरियाणा के अंदर मौका दिया है, आपने हर पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई है, एक मौका हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को दें। बहरहाल हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ इस बार मुकाबला काफी रोचक होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की गारंटियों से हरियाणा की जनता में नई उम्मीद नजर आने लगी है। बीते दिनों लोकसभा के चुनाव में प्रदेश के कुरुक्षेत्र सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोट लेकर आम आदमी पार्टी अपने आप को प्रदेश की सत्ता के एक मजबूत दावेदार के रूप में साबित कर चुकी है और विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।